नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी इंपॉर्टेंट ये है कि 9650 के लेवल को होल्ड करे हुए है। अभी भी जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं उसमें 9658 यानी कि 16 अंकों की गिरावट कल की तुलना में। लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है आज ट्रेडर्स की। एक सेक्टर जो बस कर रहा है आज मार्केट पे वो है शुगर, दूसरा है फार्मा। निफ्टी पे सेंसेक्स में मामूली गिरावट है, लेकिन ल्यूपिन देखिए आप 4.5% ऊपर है ये स्टॉक। स्टील अथॉरिटी में दमदार एक्शन आज के सत्र में बना। डेविस लैब्स एक और स्टॉक जहां पर रिटर्न्स बहुत पॉजिटिव मिले हैं। जो स्क्रीन पर भी स्टॉक्स आएंगे उसमें फार्मा स्टॉक्स प्रोमिनेंटली, इनमें खरीदारी ज्यादा हो रही है। केपीआईटी टेक, एनएमडीसी, आरईसी, वायदा कारोबार पे आज एक्यूमुलेटेड स्टॉक है। 2-3% की तेजी इन स्टॉक्स पे बढ़ती हुई नजर आई। गिरने वालों की सूची में भारती इंफ्राटेल परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा गिरा है। आरबीएल बैंक 2% टूट चुके हैं और पेज इंडस्ट्रीज में भी 2% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट, कोलगेट और एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स है यहां पर 1.5% से 2% की गिरावट हो चुकी है। ये तमाम वो स्टॉक जो पिछले कुछ सत्रों से एक्शन में थे, निचले स्तरों से खरीदारी थी, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, बिल्कुल एक दायरे में है। और इंपॉर्टेंट ये है कि आज बड़ी पोजीशंस मार्केट पे नहीं बन रही हैं। 9700 की और साथ साथ 9800 की कॉल आज ऊपरी स्तरों पर ट्रेडर्स ने राइट की है यानी कि बेची है। बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में है। देखिए बड़े बैंकों में खरीदारी नहीं हुई, लेकिन अभी भी जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है वो छोटे मझौले बैंक्स पे ज़्यादा है। तेज़ी इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। FMCG और IT ये दो ऐसी पॉकेट हैं जहां पर आज के सत्र में बिकवाली है, लेकिन फार्मा सेक्टर बस कर रहा है। आदित्य अग्रवाल साहब मेरे साथ इसमें मौजूद हैं वे टू वेल्थ से। आदित्य शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। मार्केट्स पे अब 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से अगर व्यू लेना हो, ट्रेड करना हो, तो क्या हम फिर से प्रोबेबिलिटी है कि 9700 के लेवल के ऊपर निकलेंगे और तेजी बनाने का मौका है? वेल यस, मीन्स निफ्टी में देखें तो लोअर लेवल से जो 9450 9480 का सपोर्ट था वहां से हमने एक अच्छा पुल बैक आते हुए देखा है। 9700 जरूर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल के सेशन में भी हमने देखा था कि निफ्टी ने 97 का लेवल टेस्ट किया, वहां से लास्ट के एक घंटे में हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा था। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ते हुए देखा है, बट मुझे लगता है कि ये जो दो दिन में कल के लास्ट सेशन में आज प्रॉफिट बुकिंग है उसको शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग के लिए यूज किया जा सकता है। यहां से हमको लगता है कि निफ्टी वापस 9700 तक के लेवल दिखा सकता है। उसके बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ शॉर्ट टर्म में नहीं लगता, क्योंकि अभी भी वहां पे हमने काफी एग्रेसिव कॉल लाइटिंग देखा है। जब तक वो कॉल लाइटिंग में हम कवरिंग आते हुए नहीं देखते हैं तो यहां से कोई बड़ी तेजी एकदम से नहीं लगती। बट यस, शॉर्ट टर्म में हमको लगता है कि निफ्टी 9720 के तक के लेवल टेस्ट कर सकता है, तो और यहां से 10-15 पॉइंट का करेक्शन आता है तो उसका एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 9615 और टारगेट रहेगा 9720 का। राइट, अब बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या किया जाए? दिग्गजों के मुकाबले फिर से छोटे मझौले स्टॉक्स और जो निफ्टी बैंक से बाहर है उनमें ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है। दोनों पे व्यूज दे दीजिए, एक तो निफ्टी बैंक पे क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और दूसरा बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या किया जाए। वेल, अगर निफ्टी बैंक को देखें तो 23,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी उसी को काफी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा है, वहीं से हमने पुल बैक आते हुए देखा। लेकिन ऊपरी स्तर पे 23,500 एक रेजिस्टेंस जोन भी है जहां पे हमने थोड़ा सा एक कॉल लाइटिंग आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ट्रेड करेगा निफ्टी की तरह, बट थोड़ा सा एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करेगा। तो यहां पे मेरी सलाह रहेगी बैंक निफ्टी में भी करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं। नीचे में 23,260 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में भी टारगेट बहुत बड़े नहीं है, बट हमको लगता है 23,650 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है। बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो डेफिनेटली मीन्स हम मिड कैप बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग आते हुए देखने को मिली है। कल के सेशन में लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी थी, अब वापस हमने देखा है कि लो लेवल्स पे बाय कंटिन्यूअसली मिड कैप बैंकिंग स्पेस में एक लॉन्ग पोजीशन बनते हुए दिख रही है। तो हमको लगता है कि यहां से मिड कैप बैंकिंग अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है। लार्ज कैप बैंकिंग में देखें तो साइडवेज मूवमेंट है, कोई हम शॉर्ट पोजीशन बनते हुए नहीं देख रहे हैं किसी भी लार्ज कैप बैंकिंग काउंटर में, बट लार्ज कैप बैंकिंग का थोड़ा सा साइड हो गया है। बट यहां से मिड कैप बैंकिंग हमको लगता है कि बैंक निफ्टी को एंड लार्ज कैप बैंकिंग को शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर सकता है। चलिए, ऊपर से यूरोपियन मार्केट्स आज ओपन हुए हैं वो बिल्कुल फ्लैट हैं, कोई बड़ा बदलाव नहीं है कल की तुलना में, तो मार्केट की अभी जो डायरेक्शन है वो फ्लैट ही समझिए। और यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स से भी कुछ बड़े ट्रिगर्स नहीं मिल पा रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग देख लीजिए, बिल्कुल फ्लैट, एक सिर्फ फुटसी एक ऐसा इंडेक्स जहाँ पर गिरावट थोड़ी ज्यादा है, रेस्ट ऑफ द मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट प्ले हो रहा है। लेकिन मेरे साथ इस समय स्नेहा सेठ जी मौजूद हैं, डेरिवेटिव एनालिस्ट एजल ब्रोकिंग की। स्नेहा नमस्कार, मार्केट्स का ट्रेंड क्या रहेगा? 2-3 दिन का ही पर्सपेक्टिव है, चाहे आप कॉल या फिर पुट बता दीजिए, कुछ खरीदना हो निफ्टी पे तो क्या खरीदा जाए? नमस्ते, अगर आप देखें तो जो कल की मूव थी निफ्टी में और निफ्टी में रेजिस्टेंस जोन जो 9700 का है वो उधर आकर उधर से हमने थोड़ी बहुत करेक्शन, लाइक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा है।
इवन जो हम लोगों ने ये जो मूव देखा है अपसाइड का, उसमें हमें कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। अगर आप देखें तो कल के दिन एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है जो अभी तक हमें नहीं दिख रही थी। तो ओवरऑल ये सीरीज में थोड़ी बहुत शॉर्ट बनाई है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो एक पॉजिटिव साइन नहीं है। इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप 9600 का पुट ऑप्शन बाय करें। अच्छा, अराउंड 62 से लेके 65 के बीच में। ओके, फॉर अ टारगेट ऑफ 110 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 27। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं 6600 की पुट ले लें, इसका टारगेट है 110 और 27 का स्टॉप लॉस। स्पॉट के हिसाब से निफ्टी कहां तक जाएगा फिर? निफ्टी अभी एक जो रेंज थी मार्केट में 9700 से लेके 9450-9500 की, तो निफ्टी अभी हायर साइड ऑफ द रेंज है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो टुवर्ड्स 9500-550 के पास आ सकता है। चलिए 95-95-50 तक के टारगेट्स। तो आप हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं, तो कोई स्टॉक भी है जो टूट सकता है? स्टॉक स्पेसिफिकली हमें ऑटो सेक्टर से बजाज ऑटो थोड़ा करेक्शन के लिए लग रहा है। ठीक है, इसमें हमने लास्ट, अगर आप देखें लास्ट काफी टाइम से प्रेशर में ही है, इसमें काफी अच्छे शॉर्ट पोजिशंस भी बन रहे हैं और वो रोल ओवर भी हो रहे हैं। जो एक अच्छा सा उसको सपोर्ट था 2750 के आसपास, वो उससे नीचे ट्रेड कर रहा है और वही लेवल अब उसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन जैसा एक्ट कर सकता है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप 2715-2720 के बीच में शॉर्ट करें फॉर द टारगेट ऑफ 2652 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 2747। यही मैं आपसे पूछ रहा था, कंटिन्यूअसली टूट रहा है, तो एक पुल बैक में ना 2720-2730 के आसपास शॉर्ट करें तो ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो थोड़े हायर लेवल्स पे 2720 के आसपास शॉर्ट करें, 2747 का एक स्टॉप लॉस और 2652 के टारगेट रहेंगे। हायर लेवल्स पे स्लाइड हो सकता है बजाज ऑटो और निफ्टी पे अगर आपने पोजीशन बनाने तो 9600 की पुट ऑप्शन 62-65 रुपये में, 110 का टारगेट है, 27 का स्टॉप लॉस। मेरे साथ इस समय अरुण मंत्री जी जुड़े हैं कारवी ब्रोकिंग से। अरुण जी नमस्कार, निफ्टी पे कॉल क्या है आपकी सर, जो आपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करी है, और दूसरा एक स्टॉक जो फोकस में? नमस्कार राजा जी, जी। हमें लग रहा है कि निफ्टी का एक ब्रॉडर रेंज 9600-9700 लेवल से रहेगा, बट अब ओवरऑल ट्रेंड देखें, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है निफ्टी का, इसलिए हमने हमारे क्लाइंट को ये सलाह दी है कि कोई भी डिप आए 10 से 15 पॉइंट का करंट लेवल से, वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। नीचे में आपका स्टॉप लॉस 9600 का होना चाहिए, ऊपर में 9700-9720 का आपका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। चलिए आप बाय करेंगे और यहाँ से आप समझते हैं 97-97-50 के टारगेट दिखाई देंगे। तो स्टॉक कौन सा है फोकस में सर जो तेजी पकड़ सकता है? स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट में काफी स्टॉक्स हैं जो एक्शन में हैं, उनमें से एक स्टॉक है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स का रिसेंट स्ट्रक्चर देखें तो एक ब्रेकआउट के बाद उसको रीटेस्ट किया है आज। इवन आप ओपन इंटरेस्ट फंड में भी देखें तो 7-8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन टाटा केमिकल में आपको दिख रहा है। तो नीचे में 635 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग कर सकते हैं, ऊपर में 675-680 का आपका 2-3 डेज का टारगेट होना चाहिए। ओके राइट, ये इस हफ्ते ना बहुत स्ट्रांगली तरीके से चढ़ा है सर, मेरा सवाल यही होगा कि किसी डिप में खरीदारी कर लें क्या, या फिर अभी पोजीशंस बनानी होंगी अगर तेजी साइड बनानी हो तो? स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, अगर डिप भी आता है तो बाइंग आनी चाहिए। अगर आप ये करंट लेवल से भी बाई करके चल सकते हो, 635 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए सर, शुक्रिया मेरे सर। टाटा केमिकल है आपके रडार पर, 680 का टारगेट, 635 का स्टॉप लॉस, और निफ्टी पे भी खरीदारी की सलाह है 97-50 तक के टारगेट्स के लिए। इम्तियाज कुरैशी साहब मौजूद हैं अब इन्वेस्टीडिया फाइनेंशियल सर्विसेज से। इम्तियाज स्वागत है सर, बताएं निफ्टी पे क्या कॉल है आपकी, और एक स्टॉक बताएं जो आपको लगता है सीरीज में अभी बस 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से ही तेज हो सकता है। वेरी गुड आफ्टरनून अर्जित। देखिए निफ्टी में काफी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, मेरे ख्याल से 9624 के आसपास के स्टॉप लॉस से बाय की जा सकती है। निफ्टी अभी भी रेंज में है, जब तक लोअर लो नहीं है तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव बेस बना रहेगा, और मेरे ख्याल से आज से मंडे तक में मेरे ख्याल से 9710 का टारगेट अचीव कर देना चाहिए। ओके राइट, तो स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो हम यहाँ पे हिंडालको पे दाव लगाना चाहेंगे। मेटल स्टॉक्स में अभी भी पॉजिटिव रुझान बना हुआ है, यहाँ पे 194 के स्टॉप लॉस से बाय किया जाता है हिंडालको फॉर द टारगेट ऑफ 200+। चलिए राइट सर, बहुत शुक्रिया। ये हिंडालको बहुत इंटरेस्टिंग पिक बता दी आपने आज मेटल्स में, एकदम से कुछ चुनिंदा मेटल स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी बढ़ रही है। डालको आपको कल की क्लोजिंग के हिसाब से फ्लैट दिखाई देगा, लेकिन इसने इनफैक्ट ये फ्लैट है कल की क्लोजिंग के हिसाब से, लेकिन टारगेट 200 का आप समझते हैं, 194 का एक स्टॉप लॉस। शुक्रिया मेरे साथ। फटाफट से कॉल्स देख लेते हैं जो अभी तक आई हैं। एक तो निफ्टी में आपको बता दूं, देखिए 9710 का टारगेट है इम्तियाज का, समझते हैं तेजी।
ज्यादातर जानकार तेजी के ही पक्ष में है। स्नेहा ने बताया कि बाजार स्लिप कर सकता है, लेकिन यहां पर निफ्टी का जो टारगेट है 9700 से 9750 का है। कार्वी ब्रोकिंग का भी यही कहना है 9600 का एक स्टॉप लॉस लगाने। आदित्य का भी यही कहना था कि यहां से तेजी बनाए 9720 के टारगेट के लिए, 9650 के आसपास की खरीदें, 9615 का एक स्टॉप लॉस। एक कॉल भी क्वाली की आई है वो है स्नेहा की, और वो कह रहे हैं कि पुट खरीद सकते हैं, यहां पर हायर लेवल पर बाजार टूट सकता है, पुट खरीदें तो 9600 की पुट खरीदें, 65 रुपए के आसपास 110 का टारगेट है, 27 का स्टॉप लॉस। तो तीन बाय व्यूज हैं और एक सेल व्यू, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। एक तो है हिंडाल्को, 200 का टारगेट, 194 का स्टॉप लॉस। मेटल स्टॉक्स पे आप नजर रखें, ये स्टॉक्स एक्टिव हुए हैं खासतौर से एनएमडीसी और सेल जैसे स्टॉक्स। टाटा केमिकल दूसरा स्टॉक है, 680 का टारगेट है, 635 का एक स्टॉप लॉस। कार्वी ब्रोकिंग के रडार पर है। एक सेल कॉल है बजाज ऑटो की, जिसमें स्नेहा मानती है इसको थोड़ा हायर लेवल से बेचें, 2720 के आसपास, 2747 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, 2652 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेटल्स पे ही बात हुई है अभी आदित्य, तो ये जो स्टॉक्स हैं जो मैं देख रहा हूँ, स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी, अभी थोड़ी देर पहले इम्तियाज बोल रहे थे कि हिंडाल को चढ़ेगा, आपका क्या व्यू है मेटल स्टॉक्स को लेकर सर? जब मेटल स्टॉक्स देखें तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, मीन्स सेल और एनएमडीसी दोनों स्टॉक्स ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया इस रैली में। जहां पूरे मेटल सेक्टर देखें तो ऑलमोस्ट अपने मोस्ट ऑफ द मेटल काउंटर्स अपने 52 वीक्स हाई पे हैं, बट सेल अभी भी देखें तो काफी रेंज में फंसा हुआ है। बट इसके अंदर लास्ट दो से तीन दिन के अंदर हमने एक अच्छा लॉन्ग पोजिशन बनते हुए देखा है, 55-56 का अच्छा सपोर्ट, उसके बाद अब आज के सेशन में हमने देखा है कि अच्छा बाइंग हुआ है। तो यहां से हमको लगता है कि 69 तक के इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं सेल के अंदर। अगर 69 को ब्रेक करता है उस केस में जरूर 80-82 तक के लेवल दिखा सकता है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब के आप उससे देखें पर्सपेक्टिव से, तो हमको लगता है कि यहां से सेल एक मेटल सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकता है। सिमिलरली एनएमडीसी भी देखें तो एक अच्छा पुल बैक देखा है 103 से इसने 116 तक, बट 118-119 का एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करता है तो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। चलिए ठीक है, और दूसरा जो पॉकेट है ना आज वो है फार्मा। इनफैक्ट ये पहले ही पॉकेट में कहूंगा कि आज सबसे ज्यादा तेजी बनी वायदा कारोबार पे वो फार्मा स्टॉक्स पे है, जिसमें ल्यूपिन, डेविस लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज, कैडिला, इन तमाम स्टॉक्स में तेजी है। इसमें से डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन का ही स्ट्रक्चर बता दें, क्योंकि निफ्टी में आज काफी स्ट्रांगली गेन कर रहे हैं दोनों स्टॉक्स। क्या कहेंगे आप, यहां से तेजी और बढ़ सकती है क्या, या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? इस लेवल पे आके मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि काफी बीटन डाउन काउंटर्स हैं। अब इसमें हमने एक पुल बैक आते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि पुल बैक थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। लुपिन में पुल बैक एक्सटेंड होकर 1180-1200 तक के लेवल तक आ सकता है, तो यहाँ से अभी भी काफी जगह है। तो अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो ल्यूपिन में थोड़ा सा वेट करिए। वापस ये स्टॉक अगर 1100-1090 के आसपास आता है तो वहां पे जरूर एक बाइंग करके की जा सकती है, बट अभी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा मैं, लेकिन किसी के पास है तो ल्यूपिन को बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। सिमिलरली डॉक्टर रेड्डी देखें तो काफी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है, 2600 से लेकर 2720-2725 की एक रेंज है स्टॉक के अंदर। आज हमको लगता है कि स्टॉक उस रेंज को ब्रेक कर सकता है, इसके अंदर हमने फ्रेश आज लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी है जो कि 4% के आसपास है। तो यहां से हमको लगता है कि अगर 2720-2730 के ऊपर निकलता है तो 2800-2850 तक के लेवल्स डॉक्टर रेड्डी में भी देखने को मिलेंगे। एक बार डेविस लास्ट भी बता दीजिए सर, क्योंकि 674 अट्रैक्टिव लग रहा है अभी तो, लेकिन ये कहीं धोखा ना दे दे, क्योंकि फिर से रेंज में फंस गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आज पुल बैक है, ये सस्टेनेबल लग रहा है आपको डेविस लास्ट पे? डिवीज लैब में देखें तो काफी एक लंबे टाइम से स्टॉक के कंसोलिडेशन जोन में है, इसमें एक बड़ा करेक्शन देखा था हमने, उसके बाद लास्ट कुछ हफ्तों में हमने इसमें एक अच्छा पुलबैक आते हुए देखा है। तो यहां से ये पुलबैक थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, 680 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो मेरी सलाह है कि 680 के ऊपर ही बाय करें उसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर। ऊपर में 710-715 तक के लेवल्स हमारे पहला टारगेट रहेंगे, अगर स्टॉक उसके ऊपर निकला तो 740 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर डिवीज लैब का भी यहां से पॉजिटिव है, कोई बहुत बड़ा करेक्शन शॉर्ट टर्म एटलीस्ट डिवीज लैब में हमको देखने को नहीं लगता। चलिए लेकिन कोलगेट का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि खबर आपकी स्क्रीन पे है, दाम घटाए हैं 10% प्रोडक्ट्स के दाम घटाए और स्टॉक पे वन वे ट्रैक पे बिकवाली हो रही है। पिछले चार ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जुलाई में जो इसी महीने जो हाई लगा था 3 जुलाई को लगभग 1138 के लेवल का था और अब 1086 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। सोर्सेज के हवाले से खबर है कि कीमतें जो है प्रोडक्ट्स की, उत्पादों की, वो लगभग 10% कंपनी ने घटा दी हैं। अब इसी का बिल्कुल एक कॉन्ट्रा प्ले देखिए आप, HUL, ये स्टॉक निचले स्तरों से आज फिर से चल पड़ा है। FMCG में एकमात्र स्टॉक जहां पर निचले स्तरों से आज खरीदारी है वो है HUL, और हायर लेवल्स पे जो स्लिप हो रहे हैं वो है कोलगेट और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स। कैसे प्ले कर रहे हैं आप FMCG सेक्टर को आदित्य, स्पेशली कोलगेट, ब्रिटानिया और HUL पे, ITC जैसे स्टॉक्स पे आपके कमेंट्स?
रजत यहाँ पे काफी एक यहाँ पे हमको स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेना पड़ेगा क्योंकि एफएमसीजी में समय काफी डाइवर्स व्यूज हैं। एचयूएल देखे तो एक रेंज में फंसा हुआ है, इसके अंदर हमने लास्ट 3 से 4 हफ्ते में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं देखा। 1070 और 1120 ये 50 पॉइंट का बैंड है जिसमें एचयूएल काफी टाइम से फंसा हुआ है। इसके विपरीत अगर हम आईटीसी देखें तो आईटीसी का स्टॉक स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव है, इसके अंदर एक बड़ा मूव देखा हमने लास्ट पिछले हफ्ते, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक नीचे आया। लेकिन यहां से मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आईटीसी में काफी अच्छा है, किसी को लॉन्ग बनाना है लॉन्ग पोजीशन तो इनिशिएट किया जा सकता है आईटीसी में करंट लेवल्स पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 330, ऊपर में हमारा 350 से 355 का टारगेट है। बट सिमिलरली अगर कोलगेट पाम ऑयल देखें तो कोल पाम में हमको लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, ये स्टॉक 1050-1040 तक आ सकता है। बट बहुत बड़ा करेक्शन यहां से हमको कोल पाम में भी नहीं लगता, तो यहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चलते 40 से 50 पॉइंट कोल पाम नीचे आ सकता है, बट उससे बड़ा करेक्शन शॉर्ट टर्म में नहीं लगता। चलिए ठीक है, लेकिन ये सिक्योरिटीज के पार्श्वनाथ प्रभाकरन का कहना है कि बाजार के वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, फंडामेंटल नजरिया दिया है उन्होंने, लेकिन लिक्विडिटी की वजह से बाजार पे तेजी देखी जा रही है। फिलहाल फार्मा सेक्टर में अगर कोई पिक है उनकी तो वो है सिप्ला। यही मार्केट का हाईली वैल्यूएशन काफी हाई है और जब तक फंडामेंटल कैचअप नहीं करेंगे अगला अपमूव आना मुश्किल है, तो आपका जो भी मूव होगा वही रेंज में होगा और वही रेंज में घूमेगा ये मार्केट। लेकिन ये कंसोलिडेशन मार्केट के लिए नेसेसरी भी है, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं मार्केट में जो मार्केट से बाहर रहे हैं, उनको एंटर करने का ये मौका है। डिप सीवियर नहीं है, आई डोंट सी मोर देन 1-2% करेक्शन इन द मार्केट्स ऑफ दैट इज नॉट इवन अ करेक्शन, इट इज बेसिकली अ मूव विच विल एंड अप गेटिंग फर्दर मनी इनटू द मार्केट्स ऑफ। द ओनली स्टॉक दैट वी हैव गिवन अ बाय ऑन इन द फार्मा सेक्टर इज सिप्ला because they have only a 15% exposure on the US markets, unka around 40% Indian markets ke liye aur baki rest of the world hai. To jo aaj ke tareek mein jo pricing pressure aur regulatory pressure dikh raha hai USA, ye isolated hai usme se aur ye continue kar raha hai approximately around a 12-13% CAGR growth dene ka. To basically over the long run it should be a good stock to have in your books. Aurobindo is another stock that we like primarily because they don't have a single product जो 3% से ज्यादा revenue देता है उनके balance sheet में। चलिए तो Cipla और Aurobindo Pharma ये दो stocks पे नजर रखी जा सकती है, लेकिन एक stock action में है आज, वो है बलरामपुर चीनी। पूरा ही sector तेज है अगर आप sugar stocks देखें तो, लेकिन वायदा कारोबार में सिर्फ बलरामपुर चीनी में काम होता है तो मैं इसी को highlight करूंगा। आदित्य stock पे recommendation थे बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी में भी देखें तो पिछले महीने एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला था, 170 से स्टॉक 143-144 के आसपास गया था, उसके बाद से देखें तो कंटिन्यूसली स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन चालू था इसमें 140 से लेके 155 की रेंज में। आज के सेशन में स्टॉक ने उस रेंज को ब्रेक किया है, साथ ही साथ हम देखें बाकी शुगर स्टॉक जो कि कैश मार्केट में उनमें अच्छी बाइंग देखने को मिली है, तो मुझे लगता है यहाँ से बलरामपुर चीनी या शुगर सेक्टर यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है शॉर्ट टर्म में। बलरामपुर चीनी में हमारा बाय रिकमेंडेशन रहेगा विद टारगेट ऑफ 170 और नीचे में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 149 का। चलिए अब दो स्टॉक्स ऑटो सेक्टर से हैं और दोनों ही नए लेवल्स छू रहे हैं, एक है अशोक लेलैंड जहां पर पोजीशंस बहुत हैवी बिल्डअप हो गई हैं सीरीज के स्टार्ट में ही, और दूसरा स्टॉक जो मैं कल दोपहर से देख रहा हूँ वो है टीवीएस मोटर। इस स्टॉक में भी अब तक के उच्चतम स्तर पर ट्रेड हो रहा है, अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर पर क्या रिकमेंडेशन है आपकी? अशोक लेलैंड देखें तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है स्टॉक का, 74 से लेकर 98 की रेंज में स्टॉक ने काफी टाइम स्पेंड किया है, काफी महीने स्पेंड किए हैं, उस वहां पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनाया था जिसका ब्रेकआउट देखने को मिला था हमको 98 के ऊपर, तो यहां से वहां पोजिशनल व्यू रहेगा कि स्टॉक 114-120 तक के लेवल दिखा सकता है, तो किसी को लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करनी है पोजिशनल थोड़ा सा पोजिशनली अपना दायरा रख के तो 114 के टारगेट से 114 से 120 तक के टारगेट से बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 96। सिमिलरली टीवीएस मोटर्स भी देखें तो एक अच्छा स्ट्रक्चर है उसका, अच्छा लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं, आज करीब 10% इसने ऐड किया है ओपन इंटरेस्ट में जो कि लॉन्ग साइड में है, तो इसमें भी एक शॉर्ट टर्म में हमको लगता है कि यहां से और 20 से 25 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक 585 से लेके 590 तक के लेवल दिखा सकता है, इसके अंदर भी करंट लेवल्स भी या किसी डिप में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। ऑटो स्टॉक में कोई स्टॉक पसंद है आपको, चाहे फ्यूचर के जरिए या फिर ऑप्शंस के जरिए यहां पर ट्रेड किया जा सकता है? वेल टाटा मोटर्स में हमको लगता है कि यहाँ से इस सीरीज में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। मीन्स टाटा मोटर्स देखें तो काफी टाइम से एक बैंड में ट्रेड कर रहा था जहां पे 420-425 से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे, वापस इस बार हमने देखा कि लास्ट 3 दिन में स्टॉक ने उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, वहां से एक पुल बैक आते हुए देखा है और थोड़ा सा एक लॉन्ग पोजिशन बनते हुए देख रहे हैं टाटा मोटर्स में, तो हमको लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 460-465 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। इसी को ध्यान में रखें हम टाटा मोटर्स में एक 440 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, करीब 10.5-11 रुपए के आसपास
पर चल रहा है। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 20 रुपए का, नीचे में 6 रुपए के स्टॉप लॉस इसमें बाइंग की जा सकती है। राइट, एक बार बाटा का स्ट्रक्चर देख के बताएं सर, ये लेवल्स 576, 577, 78 ये लेवल्स तोड़ देगा आसानी से क्या, क्योंकि अभी भी ऑसिलेटर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं स्टॉक के। बाटा में देखें तो स्टॉक में 596 जो 10 पॉइंट का बैंड है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्टॉक उस बैंड को काफी टाइम से तोड़ नहीं पा रहा है। हम देखा मल्टीपल टाइम स्टॉक ने ट्राई किया है 595-600 के ऊपर जाने पहले, पर वहां पे हमेशा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहां से मेरी सलाह कि थोड़ा सा वेट करिए, करंट लेवल से मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। या तो ये स्टॉक नीचे आता है 550-540 के आसपास, वो एक अच्छा बाइंग जोन है, या फिर अगर ये स्टॉक 600 के ऊपर निकलता है तो वहां पे बाय किया जा सकता है। बट यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्टॉक में ना बाइंग साइड बनता है ना सेलिंग साइड में, तो मेरी सलाह कि ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करिए स्टॉक को। किसी को लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए तो 540 के आसपास लीजिए, या फिर 600 के ऊपर निकलता है तब बनाई जा सकती है। आपकी रिकमेंडेशन बहुत शॉर्ट में सर, टारगेट स्टॉप लॉस, कोई दो ट्रेड जो आपके रडार पर है? वेल, हमारा पहला पिक रहेगा रिलायंस इंफ्रा। स्टॉक में हम कंटिन्यूसली एक लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 550 तक के लेवल से खा सकता है। इसमें एक 498 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। सेकंड पिक रहेगा अमराजा बैटरीज। अमराजा बैटरीज में अच्छे करेक्शन के बाद हमने कंसोलिडेशन देखा था, तो इसके अंदर हमको लगता है कि यहाँ से 920 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो अमराजा बैटरीज में लॉन्ग पोजीशन आ सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 828 एंड टारगेट ऑफ 920। चलिए आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कॉस्ट स्टॉक एंड फैक्ट, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी देख लीजिए, क्योंकि 3% ऊपर आ चुके हैं और दिन के उच्चतम स्तर पे बाजार स्लाइड हुआ, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स बिल्कुल कॉन्ट्रा ट्रेंड है। आप ये 3% ऊपर दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं 2635 के लेवल पे, 20 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी, लेकिन कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं। फैक्ट, आज मृत्युंजय के साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय, ये तो बड़ा खुलासा हो गया और उसका असर भी देखने को मिला, कंपनी ने सफाई भी दे दी अब। बिल्कुल बिल्कुल रजत, लगातार सफाई आ रही है और इस पर और भी कुछ बड़े खुलासे होने अभी बाकी है और जी मीडिया लगातार उन खुलासों को अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट में आज आपको मुनाफा कहां पर मिल सकता है। गोल्ड और सिल्वर में चूंकि आज गिरावट का रुख है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1221 प्रति औंस के करीब है, सिल्वर का भाव $16 प्रति औंस के नीचे है और उसका इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट पर भी दिखा है। आज के लिए अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो केडिया कमोडिटी का व्यू है कि आप गोल्ड में 28,100 रुपये के स्तर पर बिकवाली करिए, 28,180 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट होगा 27,900 रुपये का। इसके अलावा अगर आपको चांदी में 37,300 का स्तर दिखता है तो आप बेचें, 36,950 का टारगेट होगा, लेकिन 37,550 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा कच्चा तेल एक महत्वपूर्ण काउंटर है जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं, 2940 याद रखिए 3940 का लेवल यहां पर सही रहेगा बिकवाली के लिहाज से, 2870 का टारगेट होगा, 2980 के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और साथ ही कॉपर में अगर आपको 381 का लेवल दिखता है तो आप बाई करिए, 385 का टारगेट होगा, लेकिन 378 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। इन सब के अलावा सोयाबीन अगस्त वायदा एक महत्वपूर्ण काउंटर होगा इंट्राडे के लिहाज से, जहां पर आप 3000 के भाव पर बाई कर सकते हैं और 3060 का टारगेट होगा, 2970 याद रखिए 2970 के स्तर पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा ग्वार में कैस्टर में आपको 4450 का स्तर दिखे तो आप बाई करिए 4550 के टारगेट के लिए, लेकिन 4400 के भाव पर स्टॉप लॉस लगाएं। ग्वार में 3400 के भाव पर आप बाई कर सकते हैं 3480 के टारगेट के लिए। और टर्मरिक में ये एक महत्वपूर्ण काउंटर होगा इंट्राडे के लिहाज से, जहां पर 6700 याद रखिए 6700 के स्तर पर आप बाई कर सकते हैं, 6850 का टारगेट होगा। और जीरा में 18450 के भाव पर बाई करें, लक्ष्य होगा 18700 का।